इंडियन अमेरिकन हैं, ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे ही जो बाइडेन अमेरिका के सदर बने, तो उन्होंने पहले 50 दिनों में तकरीबन 55 इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया। अभी हाल ही में जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडेन, उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन गौतम राघवान को एक बड़ी की पोजीशन पे एज हेड ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंशियल पर्सनल अपॉइंट किया है। दुनिया में जो डायस्पोरा होता है, जो डायस्पोरा से मुराद वो लोग जिनकी नेशनैलिटी, जो बर्थ प्लेस है, वो तो कोई और होती है, लेकिन वो किसी दूसरे मुल्क में अपने काम के लिए या अपने कारोबार के लिए चले जाते हैं और फिर वहीं रहते हैं और उस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। यही हाल है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थे जैसे इंडिया, पाकिस्तान और भी एशिया के बहुत सारे ममालिक, ये सारे यूरोप और अमेरिका चले गए, वहां अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ हालात इस तरह के आने शुरू हो गए हैं कि जो ये लोग हैं ये वहां की सोसाइटी में बड़ा काम कर रहे हैं। मैं मिसाल देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडेन, उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन गौतम राघवान को एक बड़ी की पोजीशन पे एज हेड ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंशियल पर्सनल अपॉइंट किया है। और जो राघवान साहब हैं, ये एक फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट हैं और ही ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस, ये जो आप कह सकते हैं कि LGBTQ जो एक ग्रुप है जो कि सेम सेक्स मैरिज पे यकीन रखता है, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये ही लिव्स विद हिज हस्बैंड एंड डॉटर इन वॉशिंगटन DC। और जो है गौतम राघवान जो है, उन्होंने एज US के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा को के लाइजन के तौर पे भी काम किया टू दी LGBTQ कम्युनिटी, एंड एज ए नेशन अमेरिकन एंड एज ए पैसिफिक आइलैंडर कम्युनिटी 2011 से लेकर 2014 के दरमियान। सो अभी आपको याद है कि नहीं याद, मैं बता दूं कि पिछले जैसे ही जो बाइडेन अमेरिका के सदर बने, तो उन्होंने पहले 50 दिनों में तकरीबन 55 इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया। ये चीज मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझ रहा हूं कि हाउ कम दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर प्रमोटिंग इंडियन पॉलिसीज इन अमेरिका एंड नॉट जस्ट इन अमेरिका एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अभी रिसेंटली जिस तरह के बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक इंडियन अमेरिकन ही है, गीता गोपीनाथ, जो कि जिनको चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे IMF ने जो है वो रखा, और अब जारी बात है पाकिस्तान और IMF का जो ताल्लुक है वो कोई छुपा तो नहीं है। गीता जो है वो टेक्नोक्रेट है, वो उसने बड़े ऑथर किताबें लिखी हुई हैं, रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इमर्जिंग मार्केट के ऊपर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर, और हार्वर्ड में प्रोफेसर भी हैं। अब और अगर इनको देखा जाए तो ये गई जो ऑब्वियसली इंडिया से थी, ये इंडिया के जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी एडवाइजर रही, और इसके अलावा जो वहां पे अमेरिका के अंदर बैठ के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है वो इन्होंने काफी काम किया फाइनेंस के हवाले से, और इसी तरह IMF के साथ इन्होंने काम किया, अपॉइंट उनको चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया। अब होता ये क्या है, अमेरिका क्या करता रहा और यूरोप क्या करता रहा है। अब यूरोप इतना स्मार्ट नहीं रहा, लेकिन इंग्लैंड एंड अमेरिका का ये है कि ये क्या करते हैं कि ये बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं या जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हैं, इनको स्कॉलरशिप लेते हैं और इनको बाहर ले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक जो एक एक होता है फुलब्राइट स्कॉलरशिप होता है, उसके जरिए इनको बाहर ले गए, वहां पर पढ़ाया लिखाया अच्छी यूनिवर्सिटी में, जिसको हम और फिर उनको वहीं पे जॉब मिल जाती है क्योंकि दे आर कॉम्पिटेंट इनफ, दे आर स्टडीड इन हार्वर्ड। तो वो जो लोग वहां की कंपनीज होती हैं, व्हाई विल दे नॉट लाइक टू हैव अ पर्सन विद अ बैकग्राउंड फ्रॉम इंडिया और वो हार्वर्ड से पढ़ा हो, तो उसको क्यों ना जॉब देंगी वो। भाई उनको पता है कि इनको स्कॉलरशिप दिया गया था, तो इनको इसीलिए काम इनको इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह भी रिसेंटली ट्विटर का जो लड़का हेड लगे, ही वॉज ऑल्सो इन इंडियन। अब ये होता है कि ये जो जाते हैं वहां पे, जिसको हम उर्फ आम में ब्रेन ड्रेन भी कह लेते हैं, कि देखो जी यार ये जितने पढ़े लिखे लड़के हैं ये उनको बाहर ले जाते हैं और बाहर जाके ये उनको अपनी मर्जी से जहां मर्जी इंगेज कराते रहते हैं, उनसे काम लेते हैं, लेकिन पहले वो इनके ऊपर भाई 2-3 लाख डॉलर लगाते हैं, और 2-3 लाख डॉलर लगाने के बाद उनको फ्री रखते हैं और वो वहां कंट्रीब्यूट करते हैं। और कई दफा ये भी होता है कि आपने वापस भी आना होता है।
अमेरिकन ने बहुत सारे लोगों को फुलब्राइट स्कॉलर दिया जो कि पाकिस्तान वापस आए, जो कि इंडिया वापस आए, बांग्लादेश वापस आए, अफगानिस्तान वापस आए, ताकि वो लोग आके वापस अपनी कम्युनिटीज में काम करें, हेल्प करें, लोगों की मदद करें और लोग उनके साथ इंगेज हों। और लेकिन उसे क्या होता है कि एक वो अपनी एलुमनाई एस्टैब्लिश करते हैं जिससे वो जो है उनसे कोऑर्डिनेशन रखते हैं। दैट डज नॉट मीन कि वो वहां पे उनके घुसपाए होते हैं, वो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं जो कि अमेरिका में स्टडी करके वापस आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां जहां पे भी वो फुल ब्राइट, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप देता है। इसी तरह इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो शिवनिंग की स्कॉलरशिप देता है। अब इंडियन ये जो लोग हैं ये अमेरिका में बैठे होंगे, ऑब्वियसली ये व्हाइट हाउस में है, ये स्टेट डिपार्टमेंट में है, ये डिफेंस में है, ये जहां जहां बैठे होंगे ऑब्वियसली दे विल इनकी इनकी वैल्यू होगी। अच्छा, ये पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, पाकिस्तान की जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, उसके बड़े किस्से हैं। वो किस्से किस तरह है? एक ये है कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर बैठा होता है उसको इंगेज करने की जरूरत है, लेकिन उसको इंगेज करने में कोई मसाइल आते हैं। वो मसाइल क्या आते हैं? जो बहुत सारे लड़के लड़कियां पाकिस्तान से यूरोप, अमरीका, इंग्लैंड चले जाते हैं, वो वहां पे बैठ के जो पाकिस्तान के बारे में जो व्यू रखते हैं वो कोई उस तरह का व्यू नहीं होता जो वो व्यू जब पाकिस्तान में रखते थे तो वो रखते थे। अब उनका व्यू चेंज हो गया, वो मॉडर्न हो गए, वो प्रोग्रेसिव हो गए। वो वहां पे बैठ के सोचते हैं, यार ये देखो पाकिस्तान में तो बड़ी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ पे तो बंदे जला दिए जाते हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने इन्होंने पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया है। और फिर जब उनको पाकिस्तान आने की बात की जाती है, अगर कोई सरकार हिम्मत करके कोई एक बंदे ढूंढ भी ले तो आगे से पता चलता है, यार ये तो अहमदी था, ये तो फलां है, इसके ऊपर तो इसकी तो क्लियरेंस ही नहीं है, इसका तो ये तो जासूस हो सकता है, ये तो फलाना हो सकता है, इसके ऊपर तो मजहबी एंगल है। जिस तरह वो एक लड़का था आतफ मियां, एक लड़का तो नहीं था, मिड कैरियर पर्सन आतफ मियां, बड़ा कॉम्पिटेंट, प्रिंसटन में इकोनॉमिस्ट था, इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने ऑपोजिशन उसकी तकरीरें करते थे, वो देखो आतफ मियां, देखो मुझे फखर है उस बंदे पे, वो पाकिस्तान में आएगा, सारे लोग जनाब पाकिस्तान आ जाएंगे। हालांकि उनको पाकिस्तान लाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो वहीं बैठ के अपना काम करें। उनको पाकिस्तान आप क्यों लाते हैं, क्यों यहाँ पे खज्जल कराते हैं? यहाँ पे तो लोग इतने जेलस होते हैं कि अगर आप लोग को कोई बाहर से बंदा आ भी जाए वापस तो वो कहते हैं, यार इसको कामयाब ना होने दो, इसको भगा दो यहाँ पे। देखो यार वहां पे एक जब वो इंडियन अमेरिकन बैठा हुआ है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब बाइडेन जो है उसने जब अपने पहले 50 दिनों के अंदर उसने 55 जो इंडियंस थे उनको उसने अपॉइंट कर दिया लीडरशिप पोजीशंस में जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे। इवन के सुनने में आया कि जो उसका स्पीच राइटर है और नासा तक के जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना एक कनेक्शन डेवलप करना चाहिए उन लोगों के साथ जो बाहर बैठे हुए हैं। मुझे और अब जारी बात है, अगर कोई पाकिस्तानी वहां पे बैठा होगा व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में या अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना कि एक होता तो है कि भाई हाँ उसके आने से, उसके बैठने से पाकिस्तान को फायदा तो बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो इंडियन अमेरिकन हैं ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह मैंने बताया, नॉट दैट जस्ट के वो कोई नेगेटिवली कंट्रोल कर रहे हैं, बट दे हैव एन इन्फ्लुएंस, उनका एक बड़ा एक इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर। और वो इन्फ्लुएंस इसी तरह है कि उनको पता है कि हमने यहाँ पे आए थे, हमने काम किया, हमने एक्सेल किया, हमें टॉप पोजीशंस पे जाना है, ताकि एक तो वो अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, फिर वो अमेरिका के लिए भी काम कर रहे होते हैं, एंड देन दे ब्रिंग रिस्पेक्ट टू द नेशन एज वेल। सो हमें भी अपने लोगों को इंगेज करना चाहिए, हमें भी अपने लोगों को जो है मोबिलाइज करना चाहिए।